नमस्कार, मैं सुदर्शन सुखानी हूं और आज 21 सितंबर बुधवार 2022 है। हम निफ्टी की आज बात इस तरह से करेंगे कि कल आपके साथ वीलॉग में मैंने कहा था कि आज सुबह कोई खरीदने का माहौल नहीं है, अगर कोई माहौल बनेगा तो दोपहर बाद ही बन सकता है। और आज सुबह टीवी पर भी यही बात दोहराई थी और ये भी कहा था कि जो क्योंकि तब तक SGX का रुख मिल गया था, अमरीकी बाज़ार मंदी में थे, ये भी कहा था कि कोई शार्प करेक्शन आएगा 17,650 तक का, हम तब वहीं खरीदेंगे, नहीं तो कोई काम करेंगे नहीं। ये बात कैसे कही गई, मैं किस तरह से चार्ट देखता हूँ, आज आपसे वो मैं साझा करूँगा चार्ट आपको दिखाकर। निफ्टी का 30 मिनट का चार्ट है और इस 30 मिनट के चार्ट के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं किस तरह से सोच रहा था कि आज हम खरीदारी नहीं करेंगे। ये बात मैंने कल आपको वीलॉग में बताई थी और आज सुबह टीवी पर भी कहा था, तो उसके पीछे सोचने का तरीका क्या था वो मैं आपसे साझा कर रहा हूं। ये कोई जरूरी नहीं है कि वो तरीका सही हो, और मैं सोचता हूं कि मैं अनेकों बार गलत होता हूं, सही कम और गलत ज्यादा होता हूं, पर जो भी मैं सोच रहा हूं वो बिना कोई संकोच के मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, साझा कर रहा हूं, बस यही बात है। ये बुधवार है या 30 मिनट के कैंडल्स हैं, या हम बुधवार से शुरू कर रहे हैं, पिछले बुधवार से। आपको याद है बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ था बुधवार को, उसके बाद बाजार नीचे नहीं गया, दिन भर ऊपर जाता गया। ये एक ट्रेंड बाजार को मिला, काफी बड़ा ट्रेंड था, ये छोटे छोटे ट्रेंड की हम बात नहीं कर रहे हैं, तो एक ट्रेंड बाजार। फिर बृहस्पतिवार को ना बाजार नीचे की तरफ आने लगा और वो मंदी शुक्रवार तक भी थी और सोमवार सुबह को जब लो का टेस्ट हुआ तब तक थी। ये दो ट्रेंड मिल गए, ये तीन दिनों में दो ट्रेंड का मिलना भी आश्चर्यजनक काम है, पर मिल गए, बुध बृहस्पति शुक्र, तीन दिन में ये दो ट्रेंड मिले हैं। उसके बाद सोमवार को बाजार ने ये हमको कहा कि हम लो के टेस्ट में सफल रहे हैं, बाजार में तेजी का माहौल बन रहा है और ये ऊपर की तरफ बाजार भागा भी, अच्छी तेजी लेके भागा। लेकिन आप समझिए कि जब बहुत बड़ा ट्रेंड आता है उसके बाद बाजार को कंसोलिडेट करना लगभग आवश्यक है। बाजार बहुत कम समय ऐसा होता है कि भागता जाता है, कुछ नहीं करता है, तो वो इंट्राडे का कंसोलिडेशन करने लगता है और ये एक तेजी का उसने हमको दे दिया अंदेशा कि अब है ना हम तेजी में प्रवेश कर रहे हैं, लो का टेस्ट हो गया है। उसके बाद बाजार बाकी सारे दिन कंसोलिडेशन में रहा, लेकिन माहौल तेजी का था क्योंकि ये होल्ड कर रहा था, ये छोटा सा कंसोलिडेशन के जो सपोर्ट लेवल्स है वो होल्ड कर रहे थे। फिर भी अगर हम चाहते और सही तरीका था कि बाजार के क्लोज होने के समय हम लॉन्ग हो जाते, ये हमारा स्टॉप होता और ये हम कंसोलिडेशन मान रहे थे एक अप ट्रेंड में। पर मेरा कहना यह है कि बाजार कंसोलिडेट करता है बड़े ट्रेंड के बाद में, जो कि उसने यहां पर किया, यहां नहीं किया, यहां किया, वो अपनी इच्छा पर है। फिर बाजार में गैप अप हुआ और ये बहुत बड़ी मूव आई है, यहां जो नीचे का लेवल, यहां से लो से देखिए तो काफी अच्छी तगड़ी मूव आई है। ये कल दोपहर तक चली, दोपहर तक चलने के बाद में बाजार में एक कंसोलिडेशन या समझिए हल्के से करेक्शन का माहौल बन गया। ये कल तक का चार्ट है, यहां तक का। अब हम इसको देखें कि इतनी बड़ी तेजी के बाद में मार्केट दो काम कर सकता है, या तो वो इस तरह से कंसोलिडेट कर सकता है यहीं पर, या वो कोई करेक्शन ले सकता है जो कि इसने बाद में लिया, हमको ये मालूम नहीं था कि वो क्या करेगा। पर दोनों ही केसेस में तेजी तो नहीं बनती है ना, कंसोलिडेट करेगा तो हम उसमें क्यों घुसना चाहते हैं, अगर करेक्शन हो रहा है तो हम स्वाभाविक है क्यों घुसेंगे उसमें, लेकिन करेक्शन हो रहा है तो हम खरीदार जरूर बन जाएंगे अगर ये ट्रेंड बरकरार है तो। खरीदें कहां, उसके लिए ना सपोर्ट, डीप सपोर्ट लेवल्स चाहिए, छोटे से सपोर्ट लेवल पर खरीद लेंगे और वो करेक्शन खत्म नहीं हुआ उससे क्या फायदा, सपोर्ट ऐसा होना चाहिए जो कि दिखता हो, ये सपोर्ट लेवल था। ये क्यों था, आप देखिए यहां पर इस सपोर्ट को बार बार कैंडल्स प्राइसेस छू रहे हैं, कितनी बार इस सपोर्ट को छुआ गया है, पहले ये सपोर्ट बना फिर ये रेजिस्टेंस बना, तो इसी समय आज सुबह ये विचार था टीवी पर कि 17,650 का स्तर आएगा तो हम खरीदेंगे, नहीं तो हम चुप बैठे हैं, ना हमको कंसोलिडेशन में प्रवेश करना है ना ही हम कोई हल्के फुल्के करेक्शन में फंसना चाहते हैं। ये स्तर आ गया, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो ये सही तरीका, सही जगह थी खरीदने की। इसका ये मतलब नहीं कि कल तेजी होगी या मंदी होगी, मैं आपसे सिर्फ ये शेयर कर रहा हूं कि मैं किस तरह से सोचता हूं आज का व्यू बनाने के लिए। गुड इवनिंग, आई एम सुदर्शन सुखानी, टुडे इज वेडनेसडे September 21, 2022। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हाउ आई लुक एट चार्ट्स, नॉट इट्स
Because yesterday in the vlog I had told you that today I am not looking for a buying opportunity. If that opportunity comes, it will come in the afternoon. And today morning US markets were down, the SGX itself was suggesting some weakness, and on TV also I had said I am not looking for any kind of dip buy on dip trade unless there is a severe and sharp intraday correction towards 17,650. So how did I arrive at these conclusions? I'm going to share my charts with you. Please understand that they may or may not be correct. It's just my way of looking at things. We have a 30 minute chart for the Nifty, and I'm going to explain to you the market movement from Wednesday last to Wednesday today. And the reason why I was not upbeat today morning, yesterday on the vlog I was not upbeat on buying today, and in the morning on TV the same view was there, I am not willing to buy. Let's see this trends that we have seen. From Wednesday we saw a very decent, there was a gap down and there was a big up move. This is the big up move on Wednesday. Thursday, that up move then started giving way, and on Thursday and Friday the market was falling throughout. That's okay. So now we have two trends, one and one two. On Monday, there was this test of low which gave us a message that the short term trend is changing to up. And from this test of low, we had a very decent rally all the way till yesterday afternoon. So one trend, two trend and three trend. Inside these three trends, the only time when there was a market in range was on Monday, when after the first up move, the market went into a range. This is normal. After this big decline or a big rally, the market tends to go into a huddle. It's into a consolidation or a trading range. So this was normal. This did not change the value of this test. It simply said after this down move and another up move which is now starting, I want to take some rest. Now the moving averages remained in the buy position. The support levels were not broken. So towards the end of Monday, it was worth taking a buy position for the next day. And that came up with a big gap. So we have one trend, two trend and three trends and a small consolidation. Now we are here on Tuesday afternoon. Tuesday afternoon, the market started a correction. That's normal because we had this big up move. So after an up move, a correction is coming. That's nothing unusual. Now, today morning, the US markets were down and the market was opening with a very small gap down. It was opening almost where it closed yesterday. So the question was, should we treat this as a dip and buy? And my view was that we should not buy. And the reason was that after a big move, the market will consolidate. See, this big move, the market first gave us a message, it's going up. And then after the message was received, it went into a consolidation. Now the market is now going into a correction. Whether it's a message or not, we don't know. But given the fact that US markets were down, world markets are down, we ourselves have gone through a very big up move. The prospect of another up move today are low because after a big thrust, markets should consolidate. So there were two options today. Either the markets will consolidate sideways here, just like they did here, or they will go through a dip. So in either case, buying is not a good idea. If they go through a dip, where should we buy? That was also a question. So this is how I look at support levels. See, these are points where the market is touching the same line again and again. You see how many times this line is being touched by the prices, by candles. So this is the level at which we should be buying. This was suggested here itself. Now the market need not have come here. That we don't know. It could have just stopped here and we would not have bought. Because today was expected to be choppy thanks to this big up move that we have seen. In fact, three different trends we have seen in the last 4 days tells us that a choppy market can be expected today. And that is why I was not keen to buy until a strong support level was visible and prices reached that level. So this video today is only to explain my thought process. It may not follow, it may not match yours. I'm just sharing this with you. Aaj ke liye itna hi. That's all for today. Jai Hind.